Good morning, students. Welcome to the online classes of Leal Public School. Once again, I am Shilpi Bhargav. How are you? I hope you all are good at home and enjoy your classes. So, student, in the last video, we have complete our all exercises of lesson 6. Okay. Now, this is our practice sheet. ये क्या है? हमारी प्रैक्टिस शीट है. इसमें क्या क्या आएगा? इसमें वो सब चीजें होती हैं जो हमने पूरे लेसन में पढ़ी है, है ना, जो हमने पूरे लेसन में लर्न किया है, प्रैक्टिस की है, पढ़ा है ना, वो सब इसमें आएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यस, ये सो स्टूडेंट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड सी योर वीडियो वेरी केयरफुली. वॉच योर वीडियो वेरी केयरफुली फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, yes, first question is what come just before. अब देखो, जैसे मैम ने क्या कहा था, जब आप अपना एक step को backward लेते हैं, मतलब backward counting में एक step बोलते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? before, just before. okay, 84 से पहले क्या आता है? what come just before 84? yes, 83. so we write 83 here. Is that clear? समझ में आया आपको? आप देखो, 72 से पहले क्या आएगा? 72 से पहले? Yes, 71. Okay, 71, 72. Is that clear? Okay, 48. What come before 48? Yes, 47. Okay. Now next is. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर. अब क्या करना है हमको? जैसा कि मैम ने आपको पहले भी बताया, अब हमें वन स्टेप फॉरवर्ड लेना है, मतलब काउंटिंग वन स्टेप आगे की तरफ बोलनी है. ओके, फर्स्ट इज 54. व्हाट कम आफ्टर 54? यस, टेल मी. 55. यस. Now next is 99. अब देखो, हम ऐसे भी काउंटिंग बोल सकते हैं, 99, 98, 99 और 100. Yes, so we write 100 here. 49 के बाद what come after 49? Yes, 47, 48, 49 or 50. Okay, student, remember one thing. When देखो, आप यहाँ पे देखो, ये 9 है ना, तो 9 के बाद हमेशा 0 आती है, और हमने यहाँ पे 0 लिखा. 4, what come after 4? Yes, tell me. 5, so we write 5 here. समझ में आया? जहां पर भी 9 होगा, है ना, वहां पर 1's place पे 0 आएगी, और 10's place पर जो भी नंबर यहाँ पर दिया हुआ होगा, 4, 5, 6, 7, जो भी 10's place पे नंबर दिया होगा, हम उसको ही चेंज करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज our next question. What number comes between in the given numbers? अब क्या करना है हमें? अब हमें जो 71 और 73 के बीच में नंबर आया हो, कौन सा है वो? Yes, count with me. 71. Yes, tell me. 72. Yes, so we write 72 here. Okay. Now 72, 73. Next 67. Yes, what is next? 68, 69. Okay, now next is 98, 99 or 100. 98, 99, 100. 52, 53 or 54. Is that clear? समझ में आया? Yes, good. ओके, और अब देखो 49, जैसा कि मैम ने आपको बताया, यहाँ पे 94 है. सबसे पहले हम चेक करते हैं 10th प्लेस की वैल्यू. तो 4 है यहाँ पर और यहाँ पर 9 है, तो विच इज मोर, 9 और 4? 9. यस, सो वी राइट, वी पुट द साइन ग्रेटर देन हियर. ओके, समझ में आया ना? कौन सा साइन लगाएंगे हम यहाँ पे? जिसको क्रोकोडाइल का माउथ जिसकी तरफ ओपन होता है. ओके, नेक्स्ट 72, 69, विच इज, व्हाट इज चेक, व्हाट विल चेक, हम क्या चेक करेंगे? वंस टेंथ प्लेस की वैल्यू चेक करेंगे. 7 और 9, 7 और 9, विच इज मोर? यस, विच इज मोर? 7. ओके, सो 7 को क्रोकोडाइल खा लेगा. यस,
नेक्स्ट 71 और 17, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो 71 और 17 सेम से भी लग रहा है ना, 11 भी है 77 भी है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, टेंस की प्लेस वैल्यू चेक करनी है। 7 है यहाँ पर, 1 है, इट मीन्स 7 बड़ा है ना, सो क्रोकोडाइल को हम 71 को खिला देंगे। ओके, इज दैट क्लियर, सही है ये, यस गुड। अरे वाह, 80 और 80, अब क्रोकोडाइल लिटिल कंफ्यूज्ड, अब वो कंफ्यूज्ड हो चुका है कि वो क्या खाए, तो अब यहाँ पे हम इक्वल टू लगाएंगे। जब दोनों डिजिट सेम होती है वहां पर क्या लगाते हैं हम, कौन सा साइन आता है, इक्वल टू। ओके, 60 और 68, अब देखो यहाँ पर जो टेंस वैल्यू है दोनों सेम है ना, यस, लेकिन वंस वैल्यू देखो 0 और 8, व्हाट इज bigger, which is bigger, 8 na, so 68 is bigger than 60. Okay, 40 or 40, yes, what will be right here, which sign, yes, equal to, good. Okay, is that clear students, I hope you all are understood this, yes, no, okay, now next is क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को लिखना है। असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, 66, 22, 99, 44, विच इज अ स्मॉलर नंबर, 22, सो वी राइट 22 हियर, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 22, ओके, फिर कौन सा लिखना है हमें, यस 22 को हम यहाँ से क्रॉस करेंगे और यहाँ लिखेंगे, उसके बाद 44, यस सो वी राइट 44 हियर। ओके, नेक्स्ट विच इज, यस 66, सो वी राइट 66 हियर, 99, यस 99, नेक्स्ट इज 74, यस नेक्स्ट इज 74, 89, 21, 91, विच इज स्मॉलेस्ट, यस 21, सो हम यहाँ से कट करेंगे और 21 को यहाँ लिख देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 74, यस वी राइट 74 हियर। ओके, नेक्स्ट 89, yes, और नेक्स्ट नंबर 91, सो वी विल राइट 91 here. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अरेंज द गिवन नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब क्या करना है आपको, बड़े से छोटा, अभी क्या किया था हमने, छोटे से बड़ा, अब बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, which is biggest number in these numbers, 64, no, 92, 85, 42, 92, so first we write 92 here. Okay, next, yes 85, very good, आपको तो पता है ये, very good, 85, okay, next, yes tell me what is next, 42 or 64, very good, good, next, last number 42, so we write 42 here. Okay, now in these numbers which is biggest, yes bigger number is 99, so we write 99 here, and 66, next 54, yes student, remember one thing, fill your book with me, okay, and neat and clean handwriting, 28 is the last number, so we write 28 here. Okay students, aapko samajh mein aaya ascending descending, yes very good, look at the given numbers and fill in the boxes, dekho ab ye hame number dekhne hai ki ye number kis series mein diye gaye hain,
टू, फिर हमने वन नंबर गैप किया है थ्री, फिर फोर, इट मीन्स हमने वन नंबर का गैप किया है ना यहाँ पर, फिर देखो फाइव नहीं, देखो यहाँ पर थ्री नहीं है, यहाँ पर फाइव नहीं है, यहाँ पर सिक्स है, फिर सेवन नहीं है, इट मीन्स हमने वन वन नंबर का गैप दिया है ना, सो एट है, एट के बाद नाइन नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे टेन, यस, फिर क्या स्किप करना है हमको इलेवन, फिर क्या आएगा व्हाट कम आफ्टर इलेवन ट्वेल्व, एंड नेक्स्ट नंबर थर्टीन को हम स्किप करेंगे, और फिर फोर्टीन, यस, फिर फिफ्टीन को स्किप किया, और सिक्सटीन, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे आप कोई नंबर नहीं लिखोगे है ना, आप अपने फिंगर्स पे ही स्किप कर लोगे नंबर्स को, देखो टू थ्री छोड़ दिया, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, आप अपने फिंगर्स को देखते हुए भी कर सकते हो, या एक एक काउंटिंग नंबर को स्किप करके भी यहाँ पर लिख सकते हो, वैसे अगर आप ऐसे लिखोगे ना जैसे मैम ने भी आपको बताया था, ये आपके लिए इजी रहेगा, ओके। अब देखो 20, 20 के बाद 25 है, तो अभी कौन सा है, विच इज हाउ मेनी नंबर्स वी स्किप, कितने नंबर स्किप किए हैं हमने यहाँ पर, 21, 22, 23, 24, मतलब हमने यहाँ पर फोर नंबर्स को स्किप किया है, हाउ मेनी नंबर्स वी स्किप, फोर, ये काउंट बाय फोर्स, काउंट बाय फाइव्स है, तो इसमें हमें कितने नंबर स्किप करने होंगे, फोर, फोर नंबर को हमने स्किप किया है, स्किप, ठीक है। उसके बाद 25, यस, अगेन हमें फोर नंबर स्किप किए हैं, 30, काउंट एवरी फिफ्थ नंबर हमने इसमें किया है, काउंट एवरी फाइव नंबर, हमने एवरी फाइव नंबर इसमें काउंट किए हैं, ओके। 30, 35, यस, आगे 40, यस, फिर 41, 42, 43, 44, 45, यस, फिर 46, 47, 48, 49, विच इज नंबर, विच नंबर इज दिस, 50, यस, नेक्स्ट 51, 52, 53, 54 और 55, ओके, समझ में आया, आप ये अपने आप कर सकते हो ना आप, यस, वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 6, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट मीटिंग विद न्यू चैप्टर, और सॉरी विद पीडीएफ ऑफ दिस चैप्टर, बुक वर्क, कॉपी वर्क, यस, टिल देन यू प्रैक्टिस दिस, बिकॉज अब आपके पोस्ट टर्म एग्जाम आने वाले हैं ना, इसलिए यू प्रैक्टिस, यू मोर 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 प्रैक्टिस फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ओके।